से बंधी दो। तुम हमारे साथ शादी में चलोगी ना? वैसे भी मैंने कार्तिक को तुम्हारी तरफ से प्रॉमिस कर दिया है। पर क्यों ताई? मैंने कहा था ना कि मुझे शादी में नहीं जाना है। वो तुमने झूठ कहा था आबा, और ये तुम भी जानती हो और मैं भी। ताई मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। पर क्यों नहीं करनी आबा? मुझे पता तो चले कि तुम क्यों बिहेव कर रही हो इस तरह से। और कार्तिक तो अच्छा लड़का है, फिर क्यों इस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रही हो और उसे तकलीफ पहुंचा रही हो? ताई मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ, बस मुझे किसी शादी वादी में नहीं जाना। आभा तो आपको शिकायत है कि हमने आपको नकली गहने दे दी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके ये गहने हमारी दुकान के नहीं हैं। पर मेरी आई ने तो यहीं से गहने बनवाए थे। आप ये देखिए। हाँ उन्होंने बनवाए जरूर थे, और ये बिल भी हमारी दुकान का है, पर ये गहने हमारी दुकान के नहीं है। मतलब भास्कर तुझे क्या हुआ? क्या टेंशन है? काम की टेंशन है तो मुझसे बात कर यार, बता मुझे। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके आराम कर ले। अरे मैं संभाल लूंगा सारा काम, वरना और कोई भी टेंशन है तो मेरे से बात कर यार, बिंदास बात कर। देख बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ मैं तेरा बचपन का दोस्त भी हूँ, मुझे बोल ना। घर को लेके थोड़ा सा परेशान हो रहा था मैं। चार दिन के बाद नीता का साकर पूरा है, मैं यहाँ हूँ, और मेरे बिना वो लोग पता नहीं इतनी सारी तैयारियाँ कैसे करेंगे यार। उस दिन फोन पे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि घर वाले कुछ मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ तो क्या सोचा है तूने? तुझे घर जाना? अरे तो निकल जाना, एक घंटे बाद एसी वालों बस है यार। देख शाम तक तू पहुंच जाएगा, और बिजनेस का जो भी काम है ना मैं संभाल लूंगा, उसकी टेंशन मत ले। अरे मैं हूं ना यार। सर वो आई ने कहा है कि आपको केटरिंग के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। So sweet offer. मैं उन्हें पर्सनली मिलकर थैंक्स बोलूंगा। ओके। अब एक मिनट, तुमने शादी में आने का क्या डिसाइड किया? तुम्हारी हो ना? नहीं सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कोई काम वाम नहीं है, तुम शादी में आना ही नहीं चाहती, तुम इसलिए बहाने बना रही हो। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप यही मान लीजिए। What's your problem आभा? क्यों तुम इतने दिन से स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो? किस लिए हर बात का उल्टा जवाब देती हो? तुम जानती हो कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और इस शादी की प्रिपरेशन के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हारा इस शादी में होना जरूरी है। लेकिन तुम मदद तो छोड़ो, मुझसे ठीक से बात करने को राजी भी नहीं हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। सब समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी में मेरा आना जरूरी है? आप अपनी खुशी से अपनी मर्जी की लड़की से शादी करो तो करो ना शादी। आप बार बार कहते हो कि मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझे बताया नहीं कि आप किस लड़की से शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, और मुझे कह रहे हो कि मुझे शादी में आना चाहिए। आपा मेरी बात तो सुनो। लेकिन सर आपके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी, आपको दूसरों की कोई फिक्र ही नहीं है। आभा लेकिन मेरी सर अगर आप मुझे अच्छा दोस्त मानते हो तो मैं भी आपको अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप किससे शादी कर रहे हैं, किस बात का डर था आपको? आभा नीता गैस पे चावल रखे हैं, जरा देख ले जी। और बाबा क्या हाल है? अरे भास्कर कुछ नहीं बेटा। आई कैसी है तू? खुश रहो। पर इतनी जल्दी कैसे आया तू? तेरा काम? अरे आनंद है ना वो संभाल लेगा। नीता का साकरपुड़ है, यहाँ भी तो इतना सारा काम है, कौन संभालेगा है? नीता रिश्ता पसंद है ना तुझे? प्रशांत पसंद है ना? यो इनफ बात, अभी तू और खुश होगी जब तू अपना गिफ्ट देखेगी। पकड़। मेरा गिफ्ट? और नहीं तो क्या, अरे तेरा भाई अब बिजनेसमैन हो गया है बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले आई की साड़ी। आई बहुत महंगी साड़ी लाया हूँ, तेरे को पसंद आएगी जरूर। और बाबा के लिए भी मैं लेकर आया हूँ कुछ गिफ्ट। बाबा ये आपके लिए नागपुर की स्पेशल शॉल। जीता है बेटा जीता है, खूब तरक्की कर, और इससे ज्यादा इस बूढ़े को और क्या चाहिए? क्यों नहीं चाहिए, अगली बार फूड लेके आऊंगा आपके लिए।
और तेरा गिफ्ट ये मेकअप के मेकअप पसंद है ना तुम तो जी भर के मेकअप करना अवनी का है अपने को बुला जरा आगे क्या करते वो कभी नहीं आएगी